नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य मुख्य खबरों की तरफ। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा काफी दिनों से वांछित चल रहे अभियुक्त सुशील पांडे उर्फ गोलू पांडे, पुत्र राजकुमार पांडे, निवासी नीबी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध प्राप्त नोटिस उद्घोषणा के तहत न्यायालय के आदेशानुसार मुनादी करते हुए डुगडुगी बजवाकर नोटिस के प्रति घर के मुख्य दरवाजे, गांव की तरफ जाने वाले प्रमुख रास्तों व चौराहों पर चस्पा की गई तथा इसी संबंध में आदेश के अनुपालन के क्रम में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने हेतु कार्रवाई की गई है। एसपी आजमगढ़ ने कहा कि पुलिस द्वारा इस कार्रवाई से आम पब्लिक में सुरक्षा की भावना पैदा हो रही है और अपराधियों में खलबली मची हुई है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। क्या है देखिए, ये मंशा भी है कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और कार्रवाई नहीं की जाए, पब्लिक में उसका असर भी साफ दिखे, उसको देखते हुए जो ट्रेडिशनली जो चीज़ें हैं, चाहे वो डुग्गी पिटवाना हो, क्योंकि किसी को जिला बदर किया जाता है तो उसे डुग्गी पीट के उसे थाना क्षेत्र की सीमा से, जिला क्षेत्र की सीमा से बाहर किया जाता है, वही अब वर्तमान में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर कुड़की की जाती है तो भी उसका ढोल बजा के की जाती है, ताकि बयासी की उद्घोषणा की जाती है वो भी ढोल, तो यही कार्रवाई आजकल की जा रही है ताकि आम पब्लिक में सुरक्षा की भावना हो। और ये जो गुंडे बदमाश हैं जो अपने रौब दौब दिखाकर अवैध कार्य करना चाहते हैं, उनके प्रति जनता को पता चले कि ये गुंडे हैं, बदमाश हैं और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है। तो वकीलों का कैसा प्रदर्शन हुआ था?